ओपन एंडेड क्लास किसको कहते हैं सर, ये नहीं पता है। तो जब कभी भी जैसे कि यहाँ लिखा है ना लेस देन फोर 20 एंड मोर, तो ऐसा जो होता है इससे बोलते हैं ओपन एंडेड क्लास। क्लास तो ऐसा होना चाहिए ना, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 30, इसे क्लास बोलते हैं। ओपन एंडेड मतलब देखो ये यहाँ पर अगर ऐसा लिखा होता है कि भाई 0 to 4, तो ये ओपन एंडेड क्लास नहीं है, ये तो क्लास हो गया। ओपन एंडेड मतलब लेस देन 4, लेस देन 5, इस तरह से या मोर देन, तो ये ओपन एंडेड क्लास होता है। जब भी ओपन एंडेड क्लास होता है तब आपको स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए बाउली का मेथड यूज करना होता है। यहाँ जो लिखा है कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यानी कि जे फाइंड करना है आपको, ठीक है ओके। सबसे पहले तो ये जो लिखा है हमारे पास, तो इसी को हमें यहाँ नीचे लिख देना होता है एज इट इज, ठीक है। फिर क्या ढूंढना होता है, फिर सीएफ, सीएफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होती है। अब पहले में तो 26 का 26 ही रखते हैं, दूसरे में 119 × 26 कर देते हैं। अब आप बच्चों को आता ही होगा तो भी चलो कैलकुलेटर से सिखाने का ट्राई करें हम। बच्चों सच में एक बात बताओ, अगर आप कैलकुलेटर लेके बैठोगे और मेरे साथ ऐसे गिनती करते जाओगे ना, तो डेफिनेटली आपको सम आ जाएगा कि पहले में तो 26 का 26 रखा, दूसरे में प्लस 119 किया, तो देखिए आंसर क्या आ रहा है 145। अब तीसरे में हम क्या करते हैं, देखो कि ये जो हमारा है सर ये 145 आ गया। अभी हम ये जो है 145 और 198 इन दोनों का टोटल करेंगे, ये जो है 145 और 198 दोनों का टोटल करते हैं। चलो 145 प्लस 1, अरे भाई इसको क्या हो गया, प्लस 198 आंसर आ गया 343। चलो हम यहाँ ये मैं लिख रहा हूँ, ये 343 लिख दिया। अब ये 343 और 86 इन दोनों का मुझे टोटल करना है, प्लस 86 429, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ये 429। अब ये 429 और ये 39 इन दोनों का टोटल करेंगे, ये मैं लिख रहा हूं 468। अब ये 468 और 20 इन दोनों का टोटल करते हैं, प्लस 20 इक्वल टू दबाते हैं 488, यहां पर लिख देते हैं ये 488। अब ये 488 प्लस 12, तो 488 प्लस 12 करते हैं हम बच्चों, प्लस 12 इक्वल टू 500। नाउ यू कैन सी ये आ जाता है क्या, ये 500, ठीक है बच्चों। तो गौर से अगर आप देखो तो हाँ सर, सीएफ के से ढूंढना हमको अच्छे से आ गया। देखो बच्चों अच्छे से आ गया सीएफ के से, तो किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, किसी को भी समझ में नहीं आया तो चलो बता दो कि सर हमें समझ में नहीं आया सीएफ कैसे ढूंढते हैं। पक्का समझ में आ गया बच्चों कि सीएफ कैसे ढूंढते हैं? यस सर। ओके तो वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आ गया सीएफ कैसे ढूंढते हैं। ओके तो चलो अब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। और अब हम आते हैं Q1 की फॉर्मूला, n इज इक्वल टू 500 है, अब आपको पता लग जाना चाहिए टोटल से। एक्चुअली यहाँ का n और ये ऑलवेज एक सेम ही आते हैं और आने चाहिए, नहीं आते मतलब कुछ गड़बड़ी की। Q1 की फॉर्मूला है n बाय 4, n है हमारा क्या 500, यानी कि 500 बाय 4 यानी कि 125, ठीक है। अब CF में आप देखो 125 या उससे बड़ा कहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ CF में? सर 145। यस 145 में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये 4 to 7 हमारा क्लास हो गया,
ये 26 को मैं CF कहूंगा और ये 119 को मैं फ्रीक्वेंसी F कहूंगा, इसे मैं कहूंगा फ्रीक्वेंसी F बच्चों। और मेरा क्लास हो गया 4 to 7 और इसमें जो 4 है वो है मेरा L। इसमें वो क्यों नहीं करते हैं, अगर इसमें आप वो करोगे तो भी क्या आएगा आंसर, जैसे कि देखो ये 7 + 7 तो 7 + 7 क्या होगा 14, 14 डिवाइड बाय 2 तो क्या होगा 7 ही, जैसे कि ये देखो ये 4 + 4 तो 8 बाय 4 ही आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाने की जरूरत नहीं, बनाओगे तो भी वही आंसर आना है, जब इंक्लूसिव होता है तभी एक्सक्लूसिव बनाना है, ये तो ऑलरेडी एक्सक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव का एक्सक्लूसिव बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बनाओगे तो भी वही आना है 4 + 4 / 2 4 ही आता है, 7 + 7 14 / 2 तो 7 ही होगा। ओके तो अब यहाँ पर हम Q1 की सारी वैल्यू डाल देते हैं, देखो बच्चों ये Q1 की वैल्यू कि आप सारे बच्चे यहाँ देख सकते हो, तो सबसे पहले मुझे चाहिए L, तो L है हमारा 4 जो मैंने आपको यहीं पर ऊपर बता दिया था, फिर चाहिए मुझे n/4 तो n/4 का आंसर ये रहा 125, CF 26 यू कैन सी देखो ये रहा CF 26, F 119 मैं यहाँ से लाया 119, सी क्लास लेंथ थ्री कहाँ से लाया, तो ये जो 4 to 7 क्लास है ये रहा, यहाँ पर देखो कहीं पर भी देखो 7 - 4 तो क्लास लेंथ होती है 3। ओके अब वैल्यू को डाउन कर देते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आपको लिखनी होती है Q1 की फॉर्मूला एंड देन पुट डाउन वैल्यू, ओके अब इसमें वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं, L की जगह पे 4, n/4 की जगह पे 125, CF की जगह पे 26, F की जगह पे 119, क्लास लेंथ C की जगह पे 3। नाउ कैलकुलेटर का यूज करते हैं, ओके 125 - 26 = 99 मल्टीप्लाइड बाय 3, 297 और 297 डिवाइड बाय 119 करो 2.4958। अब देखो 58 क्यों कर दिया, यहाँ पर भी बच्चों को दिया क्वेश्चन होता है 79 है, लास्ट में रुको लेकिन अगर किसी बच्चे को सर लेकिन मुझे 2.4957 लेना है तो डेसिमल के बाद के 4 डिजिट आपको लेने हैं, कितने डिजिट 4, सर मुझे 2.4957 लेना है तो क्या आप 2.4957 भी लेंगे तो भी देखो आंसर में कोई चेंज नहीं होना है, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ 2.4957 प्लस 4 तो क्या आ गया 6.4957 आ गया। हाँ अब अल्टीमेटली तो 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है, अब हम 2 डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो ये मेरा थर्ड डिजिट क्या है 5 है तो आगे एक इंक्रीज होगा, यानी 49 में मैं एक इंक्रीज करूंगा तो हो जाएगा मेरा 5050 यानी कि 6.50 आएगा आंसर, तो देखो हाँ सर 6.5050 आ रहा है तो देखो आंसर में कोई चेंज होना नहीं है, तो ये मेरा Q1 का आंसर आ गया 6.50। अब बात चल रही है हमारे मीडियन के आंसर की, मीडियन की फॉर्मूला है हमारी n/2 n यानी 500/2 होता है 250, ओके तो अब हमें ऊपर देखना है 250 कहाँ आता है बच्चों, ओके सबसे पहले मैं पुराना इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कुछ समझने में दिक्कत नहीं हो, हाँ चलो अब हम देखते हैं 250 कहाँ आता है, देखो बच्चों CF में 250 या उससे बड़ा सर 250 है 343 ये हमारा मीडियम क्लास का मैं तो नौ जैसे लिंक ना जैसे लिंक आई गई तो आई कोई बोलियो नहीं जी मैं किदम पड़ी खबर क्या हुआ, ये है हमारा CF और ये है हमारा F
फ्रीक्वेंसी तो देखो मीडियन क्लास हो गया 7 to 10 और एफ 198 सी एफ 145 सबसे पहले आप वही लिख दो यहाँ पर ताकि हमें बार बार ऊपर नहीं जाना पड़े तो देखो ये रहा एफ 198 सी एफ 145 क्लास 7 to 10 यानी 7 to 10 में से एल ले लो तो एल क्या हो जाएगा हमारा 7 और क्लास लेंथ तो 10 माइनस 7 तो हमारा क्लास लेंथ हो गया 3 ओके और n by 2 का आंसर 250 जो ऊपर हमने यहीं पर ढूंढा देखो दिखा दूं मैं आपको देख लो n यानी 500 500 by 2 यानी 250 n by 2 का आंसर यस सर अब सिंपल सा था फार्मूला में वैल्यू ही पुट डाउन करनी है हमें ये रही हमारी फार्मूला मीडियन इज इक्वल टू l n by 2 माइनस cf अपॉन f इनटू c सो वैल्यू इज डाउन पुट डाउन कर देनी है फिर वैल्यू पुट डाउन करो कि भाई n by 2 250 CF 145 frequency F 198 class length C 3 अब कैलकुलेटर में करते हैं 250 minus 145 into 3 and divide by 198 so 1.5909 और अगर plus 7 कर दो आप तो final answer 8.5909 अब देखो third digit 0 है तो इसमें कुछ increase नहीं होगा देख लो ध्यान से सर third digit 0 है तो 59 ही रहेगा आगे add होगा नहीं बच्चों तो आप देख सकते हो median का answer 8.59 ही आ रहा है ये बच्चों अब बात चल रही है Q3 की Q3 is equal to 3n by 4 ओके 3n यानी कि 500 by 4 3 into 125 3 into 125 यानी कि 375 हो रहा है तो वहां जाके हमें 375 देखना है किस में आ रहा है ओके अगर हम 375 होगा 429 में चलो ये पहले ऐसा हो तो इरेज कर दे ताकि आपका थोड़ा कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाए 429 में 375 आ जाएगा और ये जो है हमारा Q3 का क्लास बन जाएगा ये हो गया हमारा Q3 का क्लास इसे हम लेंगे CF इसे हम लेंगे एफ फ्रीक्वेंसी ठीक है बच्चों कुछ इस तरह से तो नीचे सी एफ 343 एंड 86 और प्लस 10 to 13 लिख देते हैं ठीक है ये सी एफ 343 एफ 86 और एक क्लास लेंथ 3 होता अब आपको पता ही है 13 माइनस 10 और ये एल यानी 10 और ये ओके इस तरह से अब सिंपल सा था ये सारी वैल्यू यहाँ पर हमने पुट डाउन कर दी क्योंकि हमारा Q3 का जो फॉर्मूला होता है एल प्लस 3n बाय 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ तो इसमें सारी वैल्यू पुट डाउन कर देनी है और ये वैल्यू कैलकुलेटर में रखते हैं ताकि आंसर भी आपको पता चल जाए 375 माइनस 343 32 आंसर आता है मल्टीप्लाइड बाय 396 और उसको डिवाइड बाय 86 इज इक्वल टू 1.1163 प्लस 10 कर ही देते हैं ये भाई क्या हो गया ये 10 प्लस पागल हो गया है 10 प्लस 1.11 हमारे 62 था तो 62 अब कर दो तो भी वांदा नहीं है 11 पॉइंट अब थर्ड डिजिट ही आपको तो देखना है सर थर्ड डिजिट 6 है आगे एक इंक्रीज हो जाएगा 11.12 हो जाएगा आंसर 11.12 देखो हो गया ओके अब देखो Q3 का आंसर 11.12 है अब क्यों ऑप्शन है स्क्यूनेस जे की फार्मूला Q3
थ्री प्लस क्यू एन माइनस टू एम डिवाइड बाई क्यू थ्री माइनस क्यू वन. क्यू थ्री का आंसर जस्ट अभी हमने फाइंड किया 11.12, आपको याद होना चाहिए जस्ट अभी. अब मीडियन और मीडियन का आंसर देखते हैं कहाँ गया. याद रखो मीडियन है 8.59. मीडियन 8.59, देखो ये रहा, ये मीडियन की जगह पे 8.59. अब हमें चाहिए क्यू वन. चलो ऊपर से क्यू वन ऊपर से उठा के लेके आते हैं, कहाँ गया ये क्यू वन, ये रहा 6.50. अब क्यू वन 6.50 नीचे ले जाते हैं, 6.50 क्यू वन याद रखो. ज्यादा ही आगे आ गए, हाँ क्यू वन है 6.5. ओके अब लाइक सेम वे ये है क्यू थ्री माइनस क्यू वन, तो अब तो हमें पता ही, ऊपर से ही ले लेते हैं क्यू थ्री 11.12 माइनस 6.5. ओके अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर देते हैं. सबसे पहले 11.12 प्लस 6.5 17.62. अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 × 8.59 सो 17.18. और यहाँ पर नीचे है तो इन दोनों का जो है माइनस करते हैं, 11.12 माइनस 6.5 इज इक्वल टू 4.62. ये आ गया हमारा 4.62. अब दिस माइनस दिस करते हैं, 17.62 माइनस 17.18 इज इक्वल टू 0.44 डिवाइड बाय 4.62 इज इक्वल टू 0.095. अब देखो थर्ड डिजिट 05 है तो आगे एक इंक्रीज होगा, ये देखो डेसिमल के बाद में थर्ड डिजिट 5 है, तो यहाँ पर ये जो है 09 में एक ऐड कर दो, 010 मतलब 10 हो जाएगा. देखो हो गया जे का आंसर 0.1010, क्योंकि थर्ड डिजिट 5 है इसलिए एक इंक्रीज होगा. ये इस तरह से. अब बच्चों ये पॉजिटिव है तो आप कह सकते हो भाई पॉजिटिव स्क्यूनेस है, ठीक है. तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर ये एंड होता है.